हेलो नमस्ते दोस्तों, चलिए आज हम लोग बनाते हैं इंस्टेंट आम की पूरी, वो भी 5 मिनट में, एकदम तीखी खट्टा चटपटा। तो चलिए फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए देखिए हमने यहाँ लिया है 8 ब्रेड, इसे हम इस तरह से काट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने सारे ब्रेड को इस तरह से काट लिया है। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। यहाँ हमने एक बॉल में डाला है 1 कप बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया के पत्ते, एकदम बारीक बारीक से देखिए हमने हरी मिर्च को काट लिया है। 1 आम लिया जिसे छील करके हमने पहले रख लिए थे, तो चलिए उसे हम इस तरह से घस लेते हैं। आप लोग चाहे तो टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में भी काट करके डाल सकते हैं, चाहे इस तरह से घस करके डाल दें। इसमें आलू भी डाल सकते हैं आप लोग, मैंने नहीं डाला है आलू। तो चलिए आम को डाल देते हैं उसमें। इसके साथ हम इसमें डालेंगे नमक, सेंधा नमक, चाट मसाला, कुछ भी ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे इसमें। सारे डालने के बाद इस तरह से इसे मिक्स कर ले। तो चलिए इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। चलिए अब दूसरे तरफ चलते हैं। यहाँ एक बॉल में हमने डाला कॉर्नफ्लावर, मैदा, थोड़ा सा नमक, नमक थोड़ा सा ही इस्तेमाल करें क्योंकि अंदर भी नमक है, ब्रेड में ऑलरेडी नमक है। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके हम इसका एक बैटर बना लेंगे पतला सा। तो देखिए यहाँ इस तरह से हमने बैटर को बना लिया है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ब्रेड पे वो जो हम मिक्स करके रखे थे सारे को उसे इस तरह से फैला देंगे और ऊपर से ब्रेड को डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इसे दबा देंगे, लेकिन एकदम ज़ोर से भी मत दबाइए नहीं तो ब्रेड टूट जाएगा, नरम होता है। उधर काम करने लगे तब तक देखिए कढ़ाई हमारा जल गया। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। तेल डालने के बाद तेल थोड़ा सा गर्म कर लेंगे, अच्छी तरह से इसे डीप करके, एकदम अच्छे से डीप करें क्योंकि नरम होता है, टूट भी सकता है। आपकी कढ़ाई में जितना जगह हो उतना डाल दें। तो देखिए हमने 3 को डाला है कढ़ाई में। अब इस तरह एक साइड अच्छी तरह से हो गया। चलिए इसे पलट लेते हैं, इस तरह से पलट ले इसे। देखिए सारे को हमने पलट लिया है, एक तरफ तो गोल्डन हो गया है। इस तरह से दबा देंगे, जो भी उसका साइड से किनारा छूटा होगा अच्छे से बैठ जाएगा। यकीन मानिए बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। जो हल्का हल्का थोड़ा ये साइड गोल्डन नहीं हुआ था उसको भी पलट करके कर लेते हैं, दोनों साइड से अच्छी तरह से गोल्डन कर ले। तेल को इस तरह से, जो भी उसमें एक्स्ट्रा तेल है उसे निकाल दे। आप लोग तेल कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इतना ही तेल डाले, अपने ऊपर है कम डाले ज़्यादा डाले। तो देखिए यहाँ हमारा बन के तैयार है इंस्टेंट आम की पूरी। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें, देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में, खाने में तो कुछ कहने ही नहीं, कितना अच्छा है ये।